प्रदेश में भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ से अभी तक 88 लोगों की मृत्यु हुई है और 14 लोग लापता हैं। भारी वर्षा से संपत्ति को लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और मंडी सहित अनेक स्थानों पर राहत व बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। रोहित ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से सभी मंत्रियों को राहत व बचाव कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि सड़कें खुलते ही पिछले कल कुल्लू जिले से पर्यटकों की 10,000 गाड़ियां निकाली गई, जिसमें लगभग 60,000 लोगों की घर वापसी हुई है। से कदम उठाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो सबसे प्रभावित हमारे क्षेत्र, चाहे मंडी की बात हो चाहे कुल्लू जिले की बात हो, स्वयं उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले 36 घंटों से माननीय मुख्यमंत्री कुल्लू में है और कुल्लू में आज ये मैं समझते एक अचीवमेंट, क्योंकि स्वयं वो सारी बातों का दिशा निर्देश दे रहे हैं सर, रेस्क्यू ऑपरेशन का। लगभग जहां हमारा जो मुख्य कनेक्टिविटी टूट गई थी, आज हमारी जो चंडीगढ़ मनाली की कनेक्टिविटी वो बहाल हुई है। 10,000 के आसपास हमारी पर्यटकों की और जो गैर वहां पर जो गए हुए थे लोग, उनकी जो गाड़ियां फंसी थी अधिकतर वो निकल चुकी है और लगभग कोई एक आंकड़े के अनुसार लगभग 50-60,000 के आसपास हमारी वहां पर बाहर के लोग थे, चाहे पर्यटक मानिए चाहे गैर पर्यटक मानिए, और अधिकतर वहां से मैं समझता हूं बाहर आ चुके हैं और ये मेजर अचीवमेंट रही है अभी तक की हमारी। और साथ ही साथ जो हमारी बिजली और पानी, हमारी चाहे कुल्लू की बात हो मनाली की बात हो, वो भी दोनों बहाल हो चुके हैं।